नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के तमाम कॉलेजों में मिलेगी फ्री ई लाइब्रेरी सुविधा। बिहार में कुल 204 जातियों की मोबाइल ऐप से होगी गणना। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि की हुई आधिकारिक घोषणा। न्यूनतम मजदूरी दरों में हुई इतने रुपए की वृद्धि। आज होगा भारत और हांगकांग के बीच एशिया कप का चौथा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के तमाम कॉलेजों में मिलेगी फ्री ई लाइब्रेरी सुविधा। बिहार के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब पढ़ाई में और भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि बिहार के सभी विश्वविद्यालय के संबद्ध करीब 280 से अधिक सरकारी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी कॉलेजों की लाइब्रेरी को ऑनलाइन जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसकी खास बात यह है कि देश दुनिया के तमाम बड़े विश्वविद्यालय की विशेष व दुर्लभ ई बुक्स को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। इससे रिसर्च स्कॉलर्स को भी काफ़ी फायदा होगा और इस तरह से बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों के 23 लाख से अधिक विद्यार्थी इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। ई लाइब्रेरी को एन लिस्ट यानी नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट सर्विस का नाम दिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम एक भारतीय पत्रकार हैं। उन्होंने News24 और India TV न्यूज़ चैनलों में मैनेजिंग एडिटर के रूप में काम किया है। उन्हें 2010 में पत्रकारिता पुरस्कारों में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया था। अंजुम का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 7 अप्रैल 1969 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय और दरभंगा में हुई। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता राम सागर प्रसाद सिंह पटना में बतौर जज बिहार न्यायिक सेवा में थे। अजीत अंजुम फिलहाल खुद के YouTube चैनल के लिए काम करते हैं। राज्य भर में देखने को मिल रही है गणेश चतुर्थी की धूम। आज बिहार सहित देशभर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में बुधवार के दिन को गणपति को समर्पित माना गया है। इस साल गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 यानी बुधवार को है, यानी कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व आज से शुरू हो रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 अगस्त की दोपहर से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त को दोपहर 3:23 में समाप्त हो जा रही है। गणेश चतुर्थी की धूम बिहार में भी देखने को मिल रही है। जगह जगह से खूबसूरत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। गणपति स्थापना 31 अगस्त को होगी और 10 दिन बाद 9 सितंबर को भगवान गणेश का विसर्जन होगा। आज से 3 सितंबर तक इन रूटों पर ये सभी 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बख्तियारपुर गया पैसेंजर सहित 6 ट्रेनें अलग अलग दिनों में 3 सितंबर तक रद्द रहेगी। आपको बता दें कि गया जिले के वाजिरगंज और तिलैया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम 31 अगस्त से 3 सितंबर तक होना है। इस कारण से बख्तियारपुर गया पैसेंजर सहित 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाए जाने की सूचना है। रद्द रहने वाली ट्रेनों में बख्तियारपुर गया पैसेंजर स्पेशल 31 अगस्त से 2 सितंबर तक, गया बख्तियारपुर पैसेंजर स्पेशल 31 अगस्त से 2 सितंबर तक, गया जमालपुर पैसेंजर स्पेशल 31 अगस्त से 2 सितंबर तक, जमालपुर गया पैसेंजर स्पेशल 1 से 3 सितंबर तक, जमालपुर सहरसा पैसेंजर स्पेशल 31 अगस्त से 2 सितंबर तक और सहरसा जमालपुर पैसेंजर स्पेशल 1 सितंबर से 3 सितंबर तक रद्द रहेगी। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है, विस्तृत जानकारी के लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। बिहार में कुल 204 जातियों का मोबाइल ऐप से होगा जातिगत जनगणना। बिहार में होने जा रही जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना में पटना सहित सभी जिलों में 204 जातियों की गिनती की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन जातियों की सूची सभी जिलों को जारी करते हुए कहा था कि अगर इनसे भी ज़्यादा जातियाँ हैं तो उसकी जानकारी अवश्य दें। आपको बताते चले कि सरकारी दस्तावेज में दर्ज जातियों की संख्या के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में 22, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 32, पिछड़ा वर्ग में 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 113 और उच्च वर्ग में सबसे कम 7 जातियां यहां निवास करती हैं। आपको बताते चले कि जाति की गणना डिजिटल माध्यम से होगा। प्रगणक के पास एंड्रॉइड फोन होगा। इनमें मौजूद एक खास ऐप से हर घर के लोगों का पूरा विवरण भरा जाएगा।
दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने स्पेशलिस्ट के 22 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने स्पेशलिस्ट के कुल मिलाकर 22 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में पीजी डिग्री या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट delhi.cant.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि हुई घोषित। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की पुरानी तिथि को रद्द कर दिया गया है और बीते दिन आयोग ने 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर और 22 सितंबर को दो शिफ्ट में करने का फैसला किया है। परीक्षार्थी की अत्यधिक संख्या का हवाला देते हुए आयोग ने कहा है कि जिला से एक चरण में परीक्षा का आयोजन करना असंभव और असुविधापूर्ण पाया गया है, इसलिए परीक्षा की पुरानी तिथियों को तत्कालीन प्रभाव से रद्द घोषित किया गया है। राजीव भवन नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने की नीति में नहीं होगा बदलाव। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी कड़ी में बीते दिन हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने के मामले में राज्य सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गलत तरीके से बने मकानों को तोड़े जाने की नीति जारी रहेगी। इसके बाद बीते दिन इस मामले पर हाई कोर्ट में बहस छिड़ी, जिसमें कहा गया है कि हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस देकर जानकारी देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 सितंबर 2022 को की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी दरों में हुई इतने रुपए की वृद्धि। बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। मजदूरों के न्यूनतम दर में वृद्धि की जा रही है, जो कि अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होगा। आपको बता दें कि 1 सितंबर से मजदूरों को 48 रुपए से लेकर 74 रुपए अब रोजाना अधिक मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का लाभ 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा। दरअसल बीते दिन श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2016 में निर्धारित मूल मजदूरी की दरों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुल 88 नियोजनों में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। भ्रष्ट डीएसपी के 3 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी। बिहार में आए दिन जांच एजेंसियां भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जो अवैध तरीके से धन अर्जित कर धन कुबेर बन बैठे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने डीएसपी बीके राउत के ठिकानों पर छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार निगरानी ब्यूरो डीएसपी के बोधगया स्थित ऑफिस और पटना के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं खबर लिखे जाने तक पटना के दिनकर गोलंबर और अशोकपुरी राजा बाजार स्थित ठिकानों पर रेड चल रही थी। जानकारी के मुताबिक निगरानी कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद धावा दल ने डीएसपी के 3 ठिकानों पर दबिश दी है। त्योहार के मौसम से पहले नीतीश कुमार का शिक्षकों को तोहफा। बस 1 महीना और फिर बिहार में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इससे पहले नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा उपहार दिया है। दरअसल शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए 140 करोड़ 41 लाख रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94,40,00,000 के अनुदान को स्वीकृति दी है। पीके दास ड्रिफ्ट वुड म्यूजियम एंड पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के सामने आईपीएस पीके दास ने अपना ड्रिफ्ट वुड म्यूजियम बनाया था। गंगा के दियारा को पार कर 40 सीढ़ी चढ़कर इस म्यूजियम में पहुंचा जा सकता है। ये गंगा के टापू पर बना हुआ म्यूजियम है, जो लगभग 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ ड्रिफ्ट वुड आर्ट के 125 पीस करीने से तराश कर रखे गए हैं, जिसमें डांसिंग लेडीज, डांसिंग एलियंस, ऑक्टोपस, एक गाय जिसका थन भी है, हाथी का सर, हाथी का सूंड, कछुआ, बड़ा सा सांप जिसके ऊपर एक इंसान खड़ा है, ये सब बिल्कुल ओरिजिन है। यहाँ विजिट करने में लोगों को काफ़ी रोमांचकारी महसूस होता है। ड्रिफ्टवुड आर्ट की बात करें तो यह एक ऐसा आर्ट है जो कि अमूमन लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, जो नदी, समुद्र, तालाब आदि के किनारे लहरों के थपेड़े सहते सहते हवा की मार झेलते झेलते किनारे लग जाते हैं।
बस उस लकड़ी में आकृति को पहचान कर तराशना ही ड्रिफ्ट आर्ट है। बालू के दामों में हुई दोगुने की वृद्धि, घाटों की होगी ई नीलामी। महागठबंधन सरकार ने बालू घाटों की नीलामी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बालू घाटों की बंदोबस्ती अब ई नीलामी के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन होगी। हालांकि यह अस्थायी नहीं है, यह निर्णय अगले 5 सालों तक के लिए लिया गया है। साथ ही नया घर बनाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अच्छे वाले बालू घाटों की बंदोबस्ती की दर दोगुनी कर दी गई है। पहले यह दर 75 रुपये प्रति घन मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। सरकार के फैसले से आम आदमी को बालू लगभग दोगुने दर पर खरीदना पड़ेगा। बिहार की 5 नदियां सोन, क्यून, फल्गु, चानन और मोरहर का बालू प्रति घन मीटर 75 से बढ़ाकर 150 रुपया किया गया है। इन नदियों के बालू से ही घर बनाया जाता है। इन जानवरों की अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा। अब मनुष्यों की तरह ही अगर पशुओं की मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से होती है, तो ऐसे में पशु मालिक को इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि एक परिवार को अधिकतम 3 पशु के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। जैसे अगर गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए हर पशु के हिसाब से 30,000 रुपये तक की मुआवजा दी जाएगी। इसी तरह घोड़ा और बैल की मौत अप्राकृतिक तरीके से हो जाने पर 25,000, बछड़ा और गधा की मौत पर 16,000 और भेड़ बकरी की मौत पर 3,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि तकनीकी टीम यह देखेगी कि पशुओं की मौत की वजह पशुपालकों की लापरवाही या कोई अन्य कारण है। इन जिलों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। प्रदेश के कुछ इलाकों में मॉनसून मेहरबान है। कोसी के अधिग्रहण क्षेत्र में खासा बारिश देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राजधानी पटना सहित बिहार के 26 जिलों में आज बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन की भी संभावना है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। आज बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट से बिजली उत्पादन हुआ शुरू। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट, जो कि सुपौल के पिपरा की दीनापट्टी पंचायत के स्थित सखुआ गांव में स्थित है, इस सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जल जीवन हरियाली के तहत बने इस सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट से फिलहाल अभी 525 किलोवाट का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मालूम हो कि पिछले साल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फ्लोटिंग पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। वही प्लांट से उत्पादित बिजली को नजदीक के पावर स्टेशन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार गांव में सप्लाई भी किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच फंसे तेजस्वी यादव। बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बेरोजगारों की भीड़ ने उनके आवास से निकलने के साथ ही राजधानी पटना में घेर लिया। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसे ही अपने आवास से निकले, शिक्षक अभ्यर्थियों ने उनके काफिले को घेरा और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया पर ज्ञापन सौंपा। हालांकि तेजस्वी यादव ने बेहिचक अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और शिक्षक अभ्यर्थियों का ज्ञापन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर करेगी और जल्द ही इस दिशा में काम होगा। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी आशा जताई है कि तेजस्वी यादव अपने वादों पर खड़े उतरेंगे और उनकी नौकरी और नियुक्ति से जुड़ी मांगों पर जल्द फैसला लेंगे। कुशवाहा ने कहा, मिशन 2024 के लिए बिहार से बाहर जाएंगे नीतीश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां दाव पेच लगा रही हैं। वहीं जदयू भरपूर कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जोर शोर से लगे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश भर में विपक्ष को एकजुट करने सीएम नीतीश कुमार दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में जाएंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पत्रकारों से यह बातचीत में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए नीतीश कुमार के पास लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के फोन भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाकर उन सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और विपक्षी ताकतों को एकजुट करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज आ रहे हैं पटना। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद एक ओर जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर में बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज पटना पहुंच रहे हैं। केसीआर के बिहार आगमन की खबर से सियासी गलियारों में उथल पुथल है, क्योंकि केसीआर आज पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करेंगे। केसीआर का बिहार आगमन की खबर के बाद विपक्षी दलों में हलचल है।
संजय जायसवाल का दावा, नीतीश कुमार रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री बनकर रह गए। बिहार की सियासत में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमला करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू जी के समय में हुए घोटाले और अपराध को छुपाने में सीएम नीतीश कुमार जुट गए हैं। अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीबीआई और ईडी की बिहार में छापेमारी की सूचना लीक करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राजनैतिक जीवन उतने ही समय तक है जब तक वे तेजस्वी यादव के हाथ में कठपुतली बनकर रहेंगे। कांग्रेस सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाएगी कांग्रेस। बीते दिन पटना महानगर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला कांग्रेस मुख्यालय नेशनल हॉल कांग्रेस मैदान कदम कुआं में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस समर्थित बिहार सरकार के समग्र विकास में कांग्रेस जन की भूमिका, बिहार में पिछले 16 सालों में भाजपा द्वारा भ्रष्टाचारी राजनीति को अपराधी अर्थतंत्र पर लगाम लगाने के साथ ही भाजपा शासन काल में बेलगाम नौकरशाही व संपन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर रोक लगाने पर बल दिया गया। साथ ही कांग्रेस सरकार के काम को लोगों तक पहुँचाने का फैसला लिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण 1968 में किया गया। भारत के उपग्रह इनसेट 1B को 1983 में अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित एशिया के 6 हस्तियों को 2009 में वर्ष 2009 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार से 31 अगस्त को मनीला में सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2010 में पाकिस्तानी बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि 50 लाख से बढ़ाकर $2.5 करोड़ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम जन्म 31 अगस्त 1871 को हुआ था और आज ही के दिन प्रसिद्ध कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। आज होगा भारत और हांगकांग के बीच एशिया कप का चौथा मुकाबला। दुबई में चल रहे एशिया कप 2022 में आज भारतीय टीम दूसरा मुकाबला हांगकांग के साथ खेलने जा रही है। इससे पहले एशिया कप का आगाज भारतीय टीम ने अपनी चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर किया था। वहीं आज भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ एशिया कप में दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है। मैच आज शाम 7:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले हांगकांग के कप्तान निजाकत खान ने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। निजाकत का कहना है कि वो विराट के प्रशंसक हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। साथ ही उन्होंने रोहित एंड कंपनी को चेतावनी दी है कि नीली जर्सी वाली टीम उन्हें हल्के में लेने की भूल ना करे। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे PSU के तहत निकाली गई MTS और कलर्क की वैकेंसी के बारे में। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे MTS और कलर्क के पदों पर निकाली गई भर्तियों के बारे में। दरअसल PIV फैक्ट चेक ने एक ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि एक राजकीय कृषि विकास निगम नामक एक वेबसाइट जिसका डोमेन नाम राजकृषि.com है, इसमें PSU के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत MTS और कलर्क के पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। वहीं PIV फैक्ट चेक का कहना है कि यह वेबसाइट फेक है, MCA इंडिया का इस वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ब्राउजिंग ही नहीं, लाइब्रेरी के भी काम आता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक ऐसा इंटरनेट ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऐसे में हम आपको इसके एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि क्रोम रीडिंग लिस्ट नाम से एक फीचर आता है, यहाँ आप किसी आर्टिकल और वेब पेज को सेव कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग ही इस फीचर के बारे में जानते हैं। इसके इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का गूगल क्रोम को खोल कर रख लें। उसके बाद टॉप पर राइट साइड में प्रोफाइल फोटो के साथ दी गए साइड पैनल बटन पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर एक पैनल खुलेगा जिसमें 2 सेक्शन रीडिंग लिस्ट और बुकमार्क्स होंगे। आपको रीडिंग लिस्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ सेव किए गए सभी आर्टिकल्स की लिस्ट आपको दिखेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गौतम मांझी, कुमार कौशल सिंह, पवन सिंह, विजय कुमार राम, श्याम नंदन चौधरी, सिद्धार्थ कुमार, इस्तियाक आलम, मोहम्मद अनवर, प्रभा यादव, सलीम अली, अरविंद यादव, अमित कुमार और संतोष यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय जनगणना से बिहार को कितना फायदा होगा और क्या फायदा होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।